फिल्मी पर्दे से अपनी पहचान बनाने वाली जयललिता ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बनेंगी। भले ही जयललिता तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हों, लेकिन उनके इसी अभिनय की लोगों ने काफी सराहना की थी। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे जयललिता ने चेन्नई के अपोलो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे देश में लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो। अगर ऐसा कहा जाए तो इस खबर को सुनकर पूरे देश में फिलहाल शोक का माहौल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और आज हम भी इनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि जयललिता ने तमिल और कन्नड़ जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने हिंदी की एक फिल्म में भी काम किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1968 में आई उस फिल्म का नाम था इज्जत। इस फिल्म में जयललिता के साथ धर्मेंद्र, तनुजा और हिंदी सिने जगत के कॉमेडियन महमूद भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे। गौर करने वाली बात तो ये रही कि इस फिल्म में दो गाने ऐसे थे जो जयललिता पर फिल्माए गए थे और उस गाने के बोल कुछ इस तरह हैं। पहले गाने का नाम था जागी बदन में ज्वाला, सैया तूने क्या कर डाला, और दूसरे गाने का नाम था रुक जा जरा। लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने जागी बदन में ज्वाला को पसंद किया था, उतना उन्होंने फिल्म के दूसरे गाने को पसंद नहीं किया। बताते चले कि उन्होंने साल 1965 में पहली तेलुगु फिल्म की थी और इस फिल्म में उनके साथ तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एमजी राव भी मौजूद थे। खबरों की माने तो एमजीआर और जयललिता की जोड़ी ने लगभग 20 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन साल 1980 में जयललिता ने आखिरी फिल्म की और उन्होंने राजनीति की तरफ रुख कर लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।